हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतिभा। टेक्निकल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इससे क्या होगा, अगर आप हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगी वो आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलते हैं आगे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ बिट वाइज ऑपरेटर्स। बाकी ऑपरेटर्स इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बट बिट वाइज ऑपरेटर के लिए मैंने एक नया वीडियो बनाया है। तो बिट वाइज ऑपरेटर होते क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि देखिए डेफिनेशन। द बिट वाइज ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन, याद रखना बिट लेवल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेटर्स। The operators are first converted to bit level, then calculation is performed. Bit level means सबसे पहले आपका डाटा किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी में कन्वर्ट होता है। किस में होता है, बाइनरी में, बिट लेवल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहला एंड ऑपरेटर, बिट वाइज एंड और, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे किसी नंबर को। देखिए मैंने टेबल बना रखी है, तो सबसे ऊपर मैंने लिखा है 1, 2, 4, 8, 16। ये सारे होते हैं 2 की पावर से स्टार्ट होते हैं, 2 की पावर 0 इसका मतलब है। तो 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। कैलकुलेट करेंगे आप इन पावर्स को तो हमने जो मैंने रिजल्ट लिखा है वही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से होता है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होता है। देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ठीक है। टोटल हम 8 बिट पे वर्क करें। अभी किस पर वर्क करें, देखिए 8 बिट पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने डिवाइड भी कर रखा है। देखिए सपोज मुझे 2 की बिट चाहिए, 2 की बाइनरी चाहिए, तो सबसे पहले मैं देखूंगी यहाँ 4 बिट पे मैंने काम किया मेनली। सबसे पहले आया हम, क्योंकि 16 तक हमारा 4 बिट में काम हो जाता है, 16 तक यहाँ तक। तो देखिए मैंने, मुझे 2 की चाहिए तो मैंने 2 के नीचे 1 लिखा, बाकी सबके आगे क्या लिखा है, 0। देखिए मीन्स अगर सिर्फ जिसके आगे मैंने 1 लिखा है उसको देखा जाए तो 2 आ रहा है। हाँ, अगर मुझे सपोज 3 के चाहिए तो मैं देखूंगी इसमें से 2 और 1 के नीचे अगर 1 लिखा है तो 2 और 1 को ऐड करूँ तो 3 मिल जाएगा। यस, अगर मैं 2 और 1 को, तो मैंने 2 के नीचे 1 लिखा है और 1 के नीचे 1 लिखा है, 2 और 1 को ऐड करके 3 आ जाएगा। बाकी सब जगह देखिए मैंने क्या लिख दिया, 0। तो हमारी 3 की बाइनरी होगी। ऐसी अगर 5 की बाइनरी चाहिए तो 5 कैसे मिल सकता है, सबसे पहले आपको सोचना है 5 कैसे मिल सकता है। देखिए मैंने एक 4 के नीचे 1 लिखा है, एक 1 के नीचे 1 लिखा है। अगर मैं 4 और 1 को ऐड करूँ तो मुझे 5 की बाइनरी मिल जाएगी। देखिए बाकी सब जगह आपको 0 कर देना। ये बाइनरी फाइंड करने का तरीका कि आप छोटे नंबर्स की बाइनरी इसमें फाइंड करते हैं, वैसे तो दूसरा मेथड भी होता है। अब आते हैं 6 की बाइनरी फाइंड करने, तो देखना 6 कैसे बन सकता है, 4 और 2 को मिला के 6 बन सकता है ना, तो सिर्फ हम 4 और 2 के आगे 6 लिख देंगे, बाकी सब जगह देखिएगा 0 लिखा है। तो ऐसे आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है एंड सो ऑन। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, सपोज मुझे किसकी चाहिए, 25 की चाहिए, तो 25 के देखिए किस किस को मिला के बन सकता है, 16 और 8, 24 और 1, 25 की बाइनरी देखिए बन गई। 16 के नीचे मैंने 1 लिखा, 8 के नीचे 1 लिखा और 1 के नीचे 1 लिखा, ऐसी आपको बाइनरी मिल गई। तो इस तरीके से आपने देखा बाइनरी कन्वर्ट करने का, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का आसान तरीका। बिट वाइज एंड, अब आते हैं, देखो सबसे पहले इसमें है बिट वाइज एंड, तो रिटर्न्स 1 इफ करस्पॉन्डिंग बिट इन बोथ ऑपरेंड इज इक्वल। अगर दोनों ही जगह जो बिट्स हैं, दोनों ही बिट्स अगर 1 है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, अदरवाइज 0। देखिए सबसे पहले बाइनरी निकाली, मैंने a इक्वल टू 3 लिखा है, ठीक है, और b इक्वल टू 5। तो मैंने a की देखिए बाइनरी क्या लिखी है, मैंने देखिएगा 0011, ठीक है, a की बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 3 को। ऐसी 5 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या कहता है,
returns one if corresponding bit in both operand is equal. अगर दोनों जगह यहाँ पे देखिए मैं इन पे ऑपरेशन कर रही हूँ वन वन, हाँ अगर दोनों जगह वन है तो रिजल्ट भी वन मिलेगा. वन यहाँ पे देखिए एक जगह ए में वन है बाकी जगह जीरो, तो क्या हो गया जीरो. यहाँ पे जीरो वन तो रिजल्ट क्या मिला जीरो 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 जीरो. तो जहां दोनों जगह वन है वहां पे वन आएगा बाकी सब जगह जीरो आएगा, यही कह रहा है आपकी डेफिनेशन. तो इस केस में हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ कहा है दो जगह वन है तो आंसर क्या मिला, ये किसकी बाइनरी है वन की, तो किसके इक्विवेलेंट है वन के इक्वल है बाइनरी बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट मिला हमें वन. अब आते हैं बिट वाइज और. बिट वाइज और क्या कहता है देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. Returns the value one true if either of the two bits in both operand is one. देखिए दोनों जगह क्या कहता है, returns the true if either of the two bits in both operand is one. ठीक है, तो दोनों जगह दोनों में से कहीं भी अगर one है तो result क्या मिल जाएगा आपको, one मिल जाएगा. तो देखिए सबसे पहले मैंने A की binary लिखी और B की binary लिखी है. ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्या करा, रिटर्न्स ट्रू इफ ईदर ऑफ द टू बिट्स इन बोथ ऑपरेंड इज, दोनों में से किसी बिट में वन है तो वन आएगा. मतलब सिंपल और ऑपरेशन होता है जैसे वन वन तो रिजल्ट क्या मिला वन, ईदर दोनों में से किसी में भी और दोनों में है तो वेल एंड गुड. वन जीरो वन जीरो वन वन और बाकी जीरो. देखिए आंसर क्या मिला हमें सेवन, तो आंसर क्या मिला सेवन. आगे बढ़ते हैं एक्सक्लूसिव बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज एक्सोर आल्सो नोन एज एक्सक्लूसिव और. दिस ऑपरेटर रिटर्न्स वन इफ टू ऑपरेंड्स बिट्स आर सेम, अगर दोनों जगह क्या है वन है. दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, दिस ऑपरेटर ट्रू इफ टू ऑपरेंड्स बिट्स आर डिफरेंट. दो देखिए डिफरेंट है जहां पे वहीं पर रिजल्ट वन मिलेगा हमें, याद रखना रिजल्ट वन कहां पे होगा जहां पे ये बिट्स दोनों वन है. देखिए यहाँ पे वन वन दोनों जगह डिफरेंट है नहीं तो जीरो आ गया, वन और जीरो डिफरेंट है. यहाँ पे वन है ए वाले में वन है बी वाले में जीरो है तो रिजल्ट क्या मिलेगा वन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. देखिए दिस ऑपरेटर रिटर्न्स वन इफ टू ऑपरेंड बिट्स आर डिफरेंट. फिर देखिए यहाँ पे जीरो ए में जीरो है वन बी में वन तो हमें क्या रिजल्ट मिला वन क्योंकि डिफरेंट है दोनों बिट्स और जीरो जीरो है तो जीरो. तो ये हमें जो आंसर मिला किसकी इक्विवेलेंट मिला सिक्स के. ठीक है, जो आंसर मिला हमें किसको मिला आफ्टर ऑपरेशन परफॉर्मिंग, ये जो बाइनरी रिजल्ट मिला हमें बाइनरी मिली किसकी बाइनरी है सिक्स की बाइनरी है. अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट. ये क्या करता है सिंपल, कॉम्प्लीमेंट क्या करता है ट्रू को फॉल्स फॉल्स को ट्रू कर देता है. देखिए ये यूनरी ऑपरेटर है जो सिंगल बिट पे परफॉर्म होता है. देखिए वन जीरो मैंने टू की बाइनरी लिखी है तो यहाँ पे जीरो है तो क्या कर देगा इसको नेगेट कर देगा वन कर देगा और जहाँ पे वन है उसको जीरो जस्ट अपोजिट कर देता है. तो मुझे ओवरऑल ऑपरेशन क्या मिल गया वन हो गया. टू को नेगेट करके क्या मिला मुझे कॉम्प्लीमेंट करके वन मिल गया. ठीक है, अब इसी में आते हैं हम शिफ्ट ऑपरेटर्स के बारे में. शिफ्ट ऑपरेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शिफ्ट ऑपरेटर्स. तो इसमें भी क्या होता है शिफ्ट ऑपरेटर्स में दो टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, और एक होता है राइट शिफ्ट. तो पहले लेफ्ट शिफ्ट के बारे में देखते हैं. तो हमारे पास एक पहले फॉर्मूला होता है, इसका सिंटेक्स कह सकते हैं कि ऑपरेंड जो ऑपरेंड है उसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, कितना नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्ट, तुम पे डिपेंड करता है तुम कितने बिट शिफ्ट करना चाहते हो. यहाँ हाँ मैंने सिक्स ऑपरेंड है, मैं इसको वन बिट शिफ्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहूँ यहाँ पे टू भी कर सकती हूँ, वन बिट लेफ्ट शिफ्ट करना है. तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया सिक्स की बाइनरी लिखी है, सिक्स की बाइनरी है, क्लियर है ना आपको, मैं बता चुकी हूँ बाइनरी कैसे निकालते हैं. तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि हर बिट एक बिट शिफ्ट करना ना मुझे, एक एक बिट आगे को खिसकती जाएगी. देखिए लेफ्ट साइड खिसक रही है तो जैसे ये वाला वन है हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला वन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. इसका मतलब हम सीधे समझ सकते हैं कि हमें राइट साइड से कोई जीरो इंसर्ट करना है, हमेशा जीरो ही इंसर्ट होता है, याद रखते हैं जब हम इंसर्ट कहते हैं इसमें जीरो, तो कोई जीरो इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर हम यहाँ से कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो एक एक बिट हमारा डेटा शिफ्ट होगा. तो देखिए ये वन यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये वन आ गया, ये वाला वन यहाँ शिफ्ट हुआ यहाँ आ गया, ये वाला जीरो यहाँ पे और जो जीरो इंसर्ट करना था वो आ गया. हमेशा याद रखिएगा जीरो ही इंसर्ट किया जाता है. तो अगर मैंने शिफ्ट सिक्स को वन बिट शिफ्ट किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला बाइनरी 12 मिला. क्या मिला, दिस इज बाइनरी ऑफ 12
जो रिजल्ट मिला शिफ्ट करने के बाद वन बिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिला, बाइनरी 12। अब ऐसे हम आते हैं राइट शिफ्ट पे। देखिएगा राइट शिफ्ट क्या है, इसका ही फॉर्मूला राइट साइड शिफ्ट करता है बिट्स को, अब नंबर ऑफ बिट्स डिपेंड करता है आप पे ही, ऑपरेंड राइट शिफ्ट देन नंबर ऑफ बिट्स टू बी शिफ्टेड। ठीक है, 12 की बाइनरी को मुझे, जो इससे पहले 12 की बाइनरी निकालती उसको मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है एक बिट, राइट साइड शिफ्ट करना एक बिट। ठीक है, तो हम मान के चलते कि राइट साइड कोई नया नंबर ऐड हो रहा है, शिफ्ट हम इंसर्ट कर रहे हैं, वो नंबर क्या है, जीरो। याद रखना हमेशा जीरो ही इंसर्ट होता है। तो हमने क्या किया, शिफ्ट के यहाँ पर अगर मैं जीरो इंसर्ट करती हूँ तो ये एक एक बिट शिफ्ट होगा। देखिए ये वाला वन यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे ये वाला वन शिफ्ट हुआ देखिए, तो यहाँ पे जीरो ये वहां शिफ्ट हुआ और ये वाला वन यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला जीरो यहाँ शिफ्ट हो गया। तो देखिए एक बिट शिफ्ट करने के बाद वन हमारे जो वन था राइट, एक बिट राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो राइट साइड शिफ्ट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला किसके बराबर है, सिक्स के बराबर, किसके बराबर है, सिक्स के बराबर। ठीक है, अगर आपको दो बिट शिफ्ट करना होता तो आप क्या कर सकते थे, इसको टू बिट भी कर सकते थे, शिफ्ट कर सकते थे, यहाँ पे वन की जगह टू कर लेते फिर इन डिजिट्स को टू टू बिट शिफ्ट करवा सकते थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं नए नए वीडियोस बना के आपको डालते रहूं। आपको जो डाउट है आप मुझसे डिस्कस करते रहें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपसे आपके डाउट्स क्लियर करती रहूंगी। सो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।